हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसे कि हमने कहा था, मिलेंगे आपको गोवर्धन की वीडियो में। तो आज गोवर्धन का दिन है, तो देखो आप सुबह उठ चुके हैं। अभी हमारे सुंदरकांड हमने चला रखा है इस समय, कि सुबह उठ के हमारे सबसे पहले सुंदरकांड चलता है घर में। देखो ये मनीष भाई हमारे सो रहे हैं, इन्हें हम उठा रहे हैं। अभी ये क्या करेंगे, गोबर लेने जाएंगे। मनीष भाई, अरे खड़ा हो, दूध ले क्या? जय श्री राम बोलो सबको। अरे जय श्री राम बोलो, सो गए फिर। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। हाँ, पापा भी सो रहे हैं। पापा उठ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। मम्मी जय श्री राम। मम्मी ये चाय ले लो, सुबह हो चुकी है। लो आप उठ गए। जय श्री राम। हाँ देखो दोस्तों, ये क्या है, हमारी मम्मी के गले में दर्द रहता है, तो इस कारण से इनके गले की आवाज निकल नहीं पाती है। थोड़ा दर्द रहता है, तो इसकी वजह से अभी है धीरे धीरे इनके गले में थोड़ा, जैसे चाय पी के थोड़ा आराम मिल जाएगा तब ये बोल पाएंगे। मम्मी अभी कृपया करके ना बोलें, क्योंकि दर्द हो रहा होगा आपके गले में। ठीक है, जय श्री राम। हाँ सब जने चाय पियो मम्मी के साथ। हमारा मोनू भाई बनाएगा आज गोवर्धन। आज स्पेशल सीन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बता दें हम, पहले हमारी मम्मी बनाती थी, मम्मी की, मगर इस बार थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है, इनसे चला नहीं जा रहा है ऊपर छत पे जाने में, क्योंकि चार जीने चढ़ने पड़ेंगे, चार जीने उतरने पड़ेंगे, तो इस कारण से उतरना चढ़ना भारी पड़ेगा। तो मोनू भाई ने प्रण लिया है कि आज वीडियो पूरी मैं बना के दिखाऊंगा, पूरा गोवर्धन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। तो जैसे कि आपको दिखाएंगे आप गोवर्धन की वीडियो, ठीक है? तो चलते हैं वहाँ पे मोनू भाई के पास। हो गोवर्धन महाराज की जय। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, गोवर्धन मोनू भाई ने पूरे बना दिए हैं, ये पूरे के पूरे इन्हीं भाई ने बनाए हैं, क्योंकि आज हमारी मम्मी की तबीयत खराब है थोड़ी। मम्मी के गले में दर्द है और हाथ पैरों में भी तकलीफ है थोड़ा चलने उतरने में, क्योंकि चार जीने चढ़ने होते हैं, चार उतरने होते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा छोटा भाई ये बना रहा है गोवर्धन। तो मोनू भाई, आप कुछ कहना चाहोगे आज गोवर्धन की वीडियो क्यों बना रहे हो, मतलब गोवर्धन आज? गोवर्धन इसलिए बना रहे क्योंकि हमसे देख के कोई और भी बना सके हमारे साथ। अच्छा, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ये गोवर्धन इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि देख सकते हो आप पूरे के पूरे। ये पैर बनाएंगे इधर, अभी पैर बन चुके हैं, पैर बन चुके हैं, मतलब अभी पूरे खेलों से सजेंगे, तब आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग के साथ। ये माला बन रही है इनकी, जैसे कि देख रहे हो माला मोतियों की बनाई जा रही है यहाँ पे मोती। जैसे कि आप देख सकते हो नौलक का हार भी इन्होंने पहन चुके हैं, तो नौलक का हार है, ये पवरबत है, ये बांसुरी है इधर हाथ में, ये क्या है, फैटा, ये फैटा होता है, ये फैटा है, ये कमर बंद है। हाँ। और ये इनकी वो है सलवार, ये पैर है, ये इन्होंने पाजे पहन रखी हैं। तो पूरे गोवर्धन आप देख सकते हो ये पूरे बनाए हैं इन भाई ने। इन भाई का मैं आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये मेरा भाई है छोटा, मोनू भाई नाम इसका। तो मोनू भाई, हाँ? आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है आपने गोवर्धन आज बनाया? तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मम्मी होती तो और अच्छा लगता बनाने में, उनके वैसे मम्मी के साथ ही बनाता था मैं। कोई बात नहीं, आज मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं नीचे गया। आप बाउंड्री हाँ। देखिए इनकी साइड बाउंड्री इनकी स्टार्ट हो चुकी है बनाने के लिए, तो ये साइड बाउंड्री है। जैसे कि देख सकते हो आप मोनू भाई की तेजी में बना रहे हैं, एक तरफ की बाउंड्री पूरी बन के तैयार हो चुकी है, दूसरी तरफ को बढ़ चुके हैं आगे। जय हो गोवर्धन महाराज की। तो करना क्या है तुम्हें? हल्के वाली। तो जैसे कि हाफ बाउंड्री पूरी बनके तैयार हो चुकी है इनकी, अब इनकी पूरी की पूरी बनने वाली है। देखो ये हमारे भाई जो हैं, ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये मेहंदी भी लगाना जानते हैं साथ साथ, और ये तुम्हारा सारे काम जानते हैं, तुम नहीं जानते? प्लस ये अपने जॉब पे भी पूरा ध्यान देते हैं, ये जॉब भी अपने बड़े लगन के साथ करते हैं। ये हमारे मल्टी टैलेंटेड भाई हैं। तो देखिए आप, पूरी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, बाउंड्री भी इन्होंने कंप्लीट कर दी है यहाँ तक पूरी। तो भैया अब इसमें ये बताइए, इसमें और भी कुछ बनाया जाएगा अभी? अभी इसमें खेल बतासो से इसे सजाया जाएगा, खेल बतासो से इन्हें अभी सजाया जाएगा। जैसे कि अम्मा ने बताया, गोवर्धन जी महाराज जो किशन जी ने पर्वत उठाया था, तो जब ये उसमें जब भैंस बनती दिखाई है, जैसे कि पब्लिक उस भैंस वो सब उसके नीचे थी पर्वत के। तो देखिए अब ये
हमारे मोनू भाई भैंस बनाना तैयार कर दिया है। ये भैंस है, गाय है, क्या है ये? गाय गाय। ये गाय बना रहे हैं ये, और ये दूसरा क्या बना रहे हो आप? अभी तो इनके सींग बन रहे हैं। ये सींग इनके बन के तैयार हो चुके हैं। तैयार नहीं, तैयार सॉरी वो थोड़ी जवाब फिसल गई हमारी। ये भैंस बन चुकी है, और ये क्या बना रहे हो दूसरा आप? ये भी दो ही भैंस है। ये भी भैंस है, चूहा क्यों लग रहा है मेरे? भैंस थोड़ी चूहे जैसी लग रही है। ये क्या है, इनके सींग बना रहे हो आप? जैसे कि आप देख रहे हो, सींग इनके बन के तैयार हो चुके हैं। ये दो भैंस हमारी गले में बन चुकी हैं, वो सॉरी गले में नहीं, हमारे घोटे पे बन चुके हैं। देखो इनके वो बनाई जाएगी चौपाल, क्या कहते हैं उसे? हाँ। क्या कहते हो ना? चौपाल। अरे घेर बनाया जाएगा, ये बोलो ना फिर। देखो दोस्तों, मुझे इस बारे में कम पता थोड़ा, क्योंकि मैं गांव जाता हूँ, मैं कम रहा हूँ। ये हमारे मोनू भाई बता सकते हैं सारा। मैं तो बहुत देखो जिया का सोच रहे हो ये लाइन क्यों करी गई है? तो देखो इसमें चारा डाला जाता है, जो भैंसों के लिए चारा होता है। तो ये चारा होगा, यहाँ पे चारा डलेगा, ठीक है? और ये भैंस हमारा चारा चर रही है। जैसे कि आपने भैंसे देख चुके हो, ये दूसरी जो बना रहे हैं, ये हमारी दादी हैं। ये बैठे सामने दादी हैं। दादी जैसे कि हम यहाँ पे चूल्हे पे कुछ बनाएंगी खाना, चूल्हे पे नहीं गोबर उठाएंगी ये, सॉरी गोबर उठाएंगी ये। भैंसों का गोबर सानी कर रहे हैं ये। ये हाथ बनाए गए हैं इनके भैंस के पीछे। भैंस के पीछे कहाँ लगाए हैं? पीछे तो लगाए तुमने, पीछे लगाए हैं। तो इन अम्मा को दिखाते हैं तुम्हें लाइव, जो इसमें आप देख रहे हो भैंसों के पीछे जो बैठी हैं, ये लाइव देखना आप। देखो ये वाली अम्मा है जो भैंस के अम्मा। ये तुम्हें जो बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है? काट रही हूँ दूध। दूध? हाँ। वो तो कह रहा है गोबर उठा रही है। नहीं नहीं, दूध। अरे दूध काट रही है, अरे गोबर उठा रही है, अपनी वेस्ट की वजह से गोबर बता रही है। ये मैंने दोस्तों इनके मतलब गाय को गोबर उठाते हुए इनको दिखाया है इसके अंदर। अच्छा, गोबर ही उठाओगे और क्या करोगे? बेस्ती का आएगी, गोबर नहीं उठाओगे? मतलब भैंसे पालोगे, गोबर नहीं उठाओगे? कमाल की बात है। नहीं उठाऊंगी। तो भैया इसमें तुमने चाची तो बनवाई नहीं है, तुम खुद ही कह रही हो मुझे बनाओ, तो तुम ही उठाओगी और कौन उठाएगा? सब चीज बनती है। तो दोस्तों देख सकते हो अम्मा बन के तैयार हो चुकी है। जैसे की हमारे क्या है, एक कुत्ता बनना स्टार्ट हो चुका है। और एक कुत्ते के बाद अपने पूरे बन चुके हैं। साइड लाइन में क्या लगाए गए हैं? ये गोल गोल इनकी बाउंड्री है ना। बिल्ली बनेगी, बिल्ली यहाँ पे। भाई ये क्या बन रहे हैं? ये गोल गोल से बाउंड्री बनी है, क्या है ये? ये अम्मा बताएंगी। ये पिलर है, पिलर पिलर ही खड़े करे गए। अब देखो ये बिल्ली बन रही है हमारी, पर बाकी आप एक बार कुत्ता ढंग से देख लीजिए, बाकी सजने के बाद पता लगेगा इसलिए क्या है इसकी। बड़ी तो है ये बिल्ली बना रहे हैं मनु भाई। तो ये कमेंट करके बताइए किसके घर में हमारे जैसे गोवर्धन बनाए जाते हैं, अन्नकूट की सब्जी किसके यहाँ बनती है, जिसके बनती है वो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए दोस्तों गोवर्धन जैसे कि आप देख चुके हो वहां पे मोनू भाई ने कैसे बनाया। तो देखिए अब हम यहाँ पर सब्जी काट रहा हूँ मैं। देखिए हमारी सब्जी में अन्नकूट की सब्जी बनेगी आज। ये गोभी है, इसमें बैंगन है, सॉरी सीताफल है। ये बैंगन नीचे रखा है, वीडियो में पहले बोल दिया है मैंने मगर। और बाकी आलू आएंगे अभी, ठीक है? तो ये सब सब्जी मिक्स होके एक मिक्सर सब्जी बनेगी, मिक्स वेज। तो देखिए सब्जी कट के सारे तैयार हो चुकी है। ये हमारी घिया है, ये बैंगन कटे हैं, ये हमारे आलू हैं, और ये सीताफल है, ये गोभी और टमाटर। अब ये सारे मिक्स करके इसमें मिक्स वेज, जिसे कहते हैं अन्नकूट की सब्जी, जिससे लगेगा भोग, ठीक है? ये भोग हमने तैयार करा है, अब इसको हम छोकने जा रहे हैं। तो बाकी वीडियो देखना आप छोकने के बाद, जब सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। क्या कर रहे हो ये? जी मैं कड़ी बना रहा हूँ। कड़ी बना रहे हो? क्या क्या तैयार कर लिया तुमने आज? देखो मैंने अन्नकूट की सब्जी मैंने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, कच्ची जब मैंने काट लिया था। चलो दिखाओ। अब ये सब्जी मैंने बना के तैयार कर दी है, जैसे कि देख सकते हो आप, ठीक है? सारी सब्जी इसमें मिक्स है। और ये पकौड़े को क्या करोगे? ये पकौड़े अभी कड़ी रख जाए। अच्छा, इसमें जाके पकौड़े डालेंगे, ठीक है? और ये चावल कैसे रखे तुमने? चावल भाई बनाएंगे ना। अच्छा, रख दूंगा। अच्छा, ये कड़ी चावल का भोग लगेगा आज? कड़ी चावल अन्नकूट और प्लस पूड़ी। ओके ओके, ये सारा भोग लगेगा आज गोवर्धन महाराज को, ठीक है? मनीष अपनी बाइक धो रहा है, आज गोवर्धन पूजा है इसलिए अपनी बाइक को अच्छी तरह धो रहा है।
डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है सारी। मैं तेरा कल्ला कल्ला सच करूंगा, हार के भी मननी नी हार तेरे वीर ने, दुनिया ले आके तेरे कदमा च तरूंगा। जेड़ी तू कहेगी गड्डी कोकरी ओही पिंड वेड़े च खड़ाऊनी है। हो बाबे ने भी गुड्डी तेरे वीरे दी, तेरे करके ही गुड्डी है चढ़ाऊनी। अपनी बहन के प्यार को भैया थी। मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ बचपन की बातें यादों में आए। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा दोस्त का त्योहार कितना बढ़िया मना है सबके साथ में। जैसे कि हम पहले आपको बताए थे, आप मिलेंगे आपको भैया दोस्त की वीडियो में। तो देखिए हम पूरे साथ हैं सब जने। ये मत सोचना कि मैं अलग हूँ, मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा कितना अच्छा भाई बहनों का प्यार है, जैसे ही आप देख सकते हो। फिर देखो हमारा मोनू भाई आ चुका है यहाँ पे। अब देखो ये बहन भाई अपने एक दूसरे को सब खिला रहे हैं। अभी आपने देखा था दोस्त की वीडियो कैसी लगी आपको। अब ये दोस्त के बाद, दोस्त खत्म होने के बाद ये खाना पीना हुआ है हमारा। खाना पीना होने के बाद ये वीडियो है ये। और ये हमारी छोटी माँ है, जैसे कि आप अगोयष्टमी की वीडियो में देख ही चुके हो ना। ये मोनू भाई का पेट पूरा भर गया है, बहनों ने इतना भर दिया। भाई कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? इनके खाना इतना है, फिर भी ये कम नहीं है किसी से। कह रहे हैं हम किसी से कम नहीं है, दुनिया हिला देंगे हम, करके दिखा देंगे हम। चलो आप देखो वीडियो को करते हैं, तुम भी एक बार चाची खाओ। मोनू तुम खिलाओ। चलो ठीक है, अब हम खाना खाते हैं। उसके खाना खाने के बाद आपको अलविदा की वीडियो में मिलेंगे।
फाइनली हमने प्रसाद खा लिया है, अब हम खाएंगे अपना खाना, नॉर्मल वाला खाना। ये हमारे भाई ने स्टार्ट कर दिया खाना, अब मैं खाता हूँ। देखो चाचा हमारे आ चुके हैं। चाचा और बताइए कैसे हो तुम? बढ़िया है। ठीक हो? चलो बैठ जाओ तुम भी, अब खाना खा लो। खुशबू फूलों सी बिखरे जहाँ में तेरी, खुशबू फूलों सी बिखरे जहाँ में तेरी। नाम रोशन हो तेरा हर दिशाओं में, मांगू मैं तो भैया ये दुआओं में। नाम रोशन हो तेरा हर दिशाओं में, मांगू मैं तो भैया ये दुआओं में। खुशियों से हर पल भरी ये रहे, झोली खुशियों से हर पल भरी ये रहे। दुख जीवन में कोई तेरे ना रहे, दुख जीवन में कोई तेरे ना रहे। महके अंगना सदा ही बहारों में, मांगू मैं तो भैया ये दुआओं में। मांगू खुशबू फैले तेरी इन बहारों में। मांगू मैं तो ये भैया दुआओं में, मांगू मैं तो भैया ये दुआओं में। भुआ, अरे भुआ तू तो घर की शान है, अरे भुआ तू तो घर की शान है, तेरे बिन तो सूखा हर त्यौहार है। क्या बोलूँ मैं तेरे बारे में कि भुआ, क्या बोलूँ मैं तेरे बारे में, तुझ में बसती तो हम सब की जान है। तो बिन त्यौहार आती है तो भी त्यौहार सा लगता है, तो बिन त्यौहार आती है तो भी त्यौहार सा लगता है। अरे तेरे आने से ही तो घर घर सा लगता है, चांद सी रौनक है तेरे मुखड़े पे, कि चांद सी रौनक है तेरे मुखड़े पे। ना ना तेरे आगे तो चांद भी फीका पड़ता है। कुछ तो बात है तुझ में कि भुआ, कुछ तो बात है तुझ में, जो तेरे घर आने का इंतज़ार हर कोई इतनी बेसब्री से करता है। कि तू हँसती हँसती आती है भुआ, कि भुआ तू हँसती हँसती आती है और हमारी आँखें नम कर जाती है। पर भुआ तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती है, तू जब होती है तो खूब मस्ती करते हैं। कि भुआ जब तू होती है तब खूब मस्ती करते हैं, आखिर माँ की डांट से भी तो तू ही हमें बचाती है। और वो जो तू बोलती है जल्दी आऊँगी सुनकर हमारी आँखें नम हो जाती है। हाँ भुआ तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती है, तेरे आने का इंतज़ार रहता है भुआ, तेरे आने का इंतज़ार रहता है बुआ। तू चीज़ जो इतनी लाती है और जाते वक्त तू जो मुझे प्यार से सहलाती है,
बुआ सुन ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती है। कितनी आसानी से तू दो घर के रिश्ते निभाती है कि कितनी आसानी से तू दो घर के रिश्ते निभाती है और तुझे कभी रोते भी नहीं देखा बुआ, और तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा बुआ, तो कैसे अपने आप को आंसू से छुपाकर इतना मुस्कुराती है। हाँ बुआ, तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती है। बेटी ननद बहन बुआ, बेटी ननद बहन बुआ, तो कैसे इतने रिश्ते निभाती है। बुआ सुनना, तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती है कि बुआ, तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती है। थैंक यू सो मच।